बहसीत पाकिस्तानी, हम लोगों को इतने क्लोज मैचेस बोलने की आदत है जैसे कि कल रात हुआ। कल जो मैच हुआ है रात को, उसको देखकर तो वो मिसाल याद आ गई थी कि एक बस जो है वो टॉप से निकल रही है और दो नवाब साहब वहाँ पहुँचे और एक ने दूसरे से कहा कि सर आप जाइए पहले, आपका हक है। दूसरे ने कहा नहीं है सर, सर सर आप बढ़े हैं, आप जाए। फिर उसने कहा नहीं है सर आप जाएँ, आप देखिए बस नहीं जो है वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, आपको जल्दी पहुँचना है। इस असना में बस ही निकल गई। तो कल का जो तो मैच था वो वही लग रहा था कि श्रीलंकन जो है वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान चला जाता फाइनल में, और पाकिस्तान चाह रहा था कि किसी तरह रुक जाए यार थोड़ा और इंडिया से खेले। श्रीलंका की जानब से तो चले होम क्राउड, और होम ग्राउंड को उनका एक एडवांटेज था तो वो हो गया गेम। लेकिन पाकिस्तान तो बिल्कुल क्लीनलेस फील्ड में थे, नया बैट्समैन आया है भाई क्लोज कर लो सबको, उसमें प्रेशर डाल दो, वो फिर भंडा मार दे। मैं नहीं हो रहा था। 1999 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल जो था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, लास्ट लूजर से बड़ा कोई बैट्समैन था? तीन बॉलों पर ट्राई करनी चाहिए था। स्टीव वॉन ने दो चौके खाने के बाद भी क्लोज खिलाड़ी सब क्लीनलेस खड़े कर लिए, और इतना प्रेशर बिल्डअप हुआ कि एलन डॉनल्ड का प्यार है ओवर रन नहीं हो पाया। कल के मैच में जब आखिर में इंग्लैंडर बैटिंग करने आया है तो फील्ड स्प्रेड करने की क्या जरूरत थी? मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया है कि बाबर आजम को बड़े लोगों में बैठना चाहिए और उनसे उनके तजुर्बे से कुछ सीखना चाहिए। एक सिंगर की शदीद कमी रही, सरफराज अहमद टाइप का खिलाड़ी अगर होता तो वो, उसको आदत है पिन पिन करने की, जो जावेद मेदाद वाली कि एक को खड़ा कर दो सामने लाके, एक को बिल्कुल पीछे से आवाज़ें लगाओ और एक बाउंसर कराओ एक जोर कराओ, ये सब है उसका दिमाग चलता रहता है। और मेरा ख्याल है इतने अरसे टीम से बाहर रहने के बाद उनका दिमाग और चलने लगा होगा। तो सरफराज अहमद टाइप आदमी की ज़रूरत हो, शुएब मलिक जैसे है, जो दुनिया घुमा देखा हुआ है। बाबर आजम एज ए कैप्टन सेल्फ सेंटर्ड लगा, डिसीजन में कोई प्लानिंग नहीं लग रही, फुकदार लग रहा था। टॉस जीत रहे बैटिंग करनी, क्यों हम बैटिंग कर लेंगे भाई, क्यों कर लेंगे आप? तुम्हारा ओपनर जो है वो आखिरी मोमेंट पे विदड्रॉ कर गया है, तुमने चार नए लड़के खिलाए हैं टीम के अंदर, तुम्हारी बॉलिंग अटैक वाली नहीं है हारिस और वो नसीम वाली, तो भाई क्यों चौड़े बन रहे हो? नर्व्स पर काबू पाने वाला जो होता है खिलाड़ी तो वही होता है। और पाकिस्तान टीम की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो शाहीन ने बॉल की, बैट्समैन ने डबल के लिए शॉट मारा, शाहीन घूमे और चलते हुए चले गए। भाई एनर्जी लाओ ना, विकेट के पास जाए खड़े और बॉल पकड़ो, आउट करो, प्रेशर डालो। नहीं, शादाब खान, मेरा ख्याल है अल्लाह उनको हिदायत दे, क्रूशियल मौके पर बॉल उठा के वही बरमबाजी में थ्रो पर ही रन आउट कर दूंगा, तो तुम देख नहीं रहे पीछे कोई नहीं खड़ा हुआ। अब्दुल्ला शफीन का पहला मैच था जैसे वो फंस गए, उनको फंसाया गया, बाउंसर भी शॉट मारा कैच में, लेकिन ये चीज़ हमारे प्लेयर से क्यों होती? हम आज भी बोल पर क्यों लग रहे होते हैं हम बोल करेंगे बोल करेंगे, पैर पे मारेंगे उसके, जम्बे पे मार देंगे उसके, हम फंसा के क्यों नहीं खेलते? एज ए कैप्टन बाबर आजम की बैटिंग पर बहुत इफेक्ट हो रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। बायलैटरल सीरीज में मार मार के सेंचुरीज, बाबर आजम नंबर वन हो गए, ठीक है, हमने जिंदगी भर देखा इंडियन खिलाड़ी नंबर वन होते थे और गालियां भी देते हम लोग कि अपने आप बुलाते हो, खेलते हो, पेटों में सेंचुरी मारते हो और नंबर वन हो जाते हो, तो ये भी वह नंबर वन लग रहा है भाई, क्योंकि नंबर वन बैट्समैन इस तरह परफॉर्म नहीं करता। बाबर आजम की 19 में से 16-17 सेंचुरीज जो है वो बायलैटरल सीरीज में बनाई गई है। एशिया कप भी पहले भी खेल चुके हैं 50 ओवर का, वर्ल्ड कप 2019 खेल चुके हैं, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 खेल चुके हैं। बाबर आजम की सजाए न्यूजीलैंड के खिलाफ 2019 के वर्ल्ड कप में सेंचुरी के, कोई सेंचुरी बड़ी टीम के खिलाफ बड़े टूर्नामेंट में नहीं है। पाकिस्तान टीम जो गई है वहाँ, उसमें सविद शंगी को क्यों रखा समझ नहीं आया, उसामा मीर शॉपिंग करने गए थे पता नहीं भाई, क्योंकि शादाब से तो परफॉर्म नहीं हो रहा।
और शादाब भी मुझे लग रहा है कि हसन अली की तरह के, अनवर अली टाइप के खिलाड़ी हैं कि आया 4 साल 5 साल के लिए, नाम बनाया और देखा यार ये हो रहे हैं, हमें चाहिए लंबे अरसे के लिए प्लेयर। इंडिया में वर्ल्ड कप है, इंडिया में विकेट स्पिन होती है, वहाँ पे बैट्समैन जो है वो खेलते नहीं है स्पिन पर अच्छी तरह, और हमारे पास स्पिनर ही नहीं है सिरे से। वही अल्लाह के आसने रहेंगे दुआ मांगने जाके वहाँ पीछे से कि ये अंधा हो जाए तो हम सेंचुरी मार दें, यही। इसके अलावा आपके पास कोई वैल्यू नहीं है। और कल की जो परफॉर्मेंस थी, जो नंबर वन टीम, नंबर वन पेस अटैक, नंबर वन बैट्समैन, उसमें कहूँ नंबर वन की चीज नजर नहीं आई।